पश्चिम चंपारण जिले के मझौलिया पुलिस ने करोड़ों के चरस के तस्कर को गिरफ्तार किया। मध्य रात्रि में प्राप्त सूचना के मुताबिक पुलिस अधीक्षक नितासा गुरिया के तकनीकी शाखा के पुलिसकर्मी राजू यादव, मझौलिया थाना अध्यक्ष कृष्ण मुरारी गुप्ता, चंद्रकिशोर तिवारी, सर्वेश कुमार के साथ सशस्त्र बल की टीम ने मझौलिया थाना अंतर्गत ग्राम रतनमाला में छापेमारी की। इस बात की पुष्टि बेतिया पुलिस अधीक्षक नितासा गुरिया ने किया। उन्होंने कहा कि छापेमारी के दौरान एक नवयुवक को धर दबोचा गया, जो कि पूर्वी चंपारण के रक्सौल थाना अंतर्गत पिपरा घाट वार्ड नंबर 22 निवासी अर्जुन पंडित का पुत्र पिंकू कुमार बताया जा रहा है। साथियों का भी नाम उसने बताया, जो उसे माल देते थे और उसकी डिलीवरी की जाती थी। इसने अपने गैंग के अन्य व्यक्तियों के नाम का भी खुलासा किया है। इस बरामद चरस की अंतर्राष्ट्रीय कीमत 20 करोड़ बताई जा रही है। इसके विरुद्ध मझौलिया थाने में मामला दर्ज किया गया है और गहन पूछताछ की जा रही है। ये चरस कहां से ला रहे थे और किसके पास डिलीवर करने वाले थे, इस संबंध में हमारा अनुसंधान चल रहा है और अनुसंधान के उपरांत आगे कार्रवाई की जाएगी।